पंजाब दे विच अज पंजाब रोडवेज पनबस अते पीआरटीसी दे कंट्रैक्ट वर्कर यूनियन वल्लों पंजाब सरकार दे खिलाफ रोस प्रदर्शन करदे होए गेट रैली कीती गई। जेकर नंगल दी गल करिए तां इस मौके नंगल प्रधान ने कहा कि सरकार वल्लों पनबस अते पीआरटीसी कच्चे मुलाजमां नूं पक्के करन बारे पहली कैबिनेट मीटिंग विच फैसला करन दा भरोसा दित्ता गया सी अते मीडिया विच भी इस दे बयान जारी कर दित्ता गया सी। पर हुण तक 3 कैबिनेट मीटिंगां हो चुकियां ते कच्चे मुलाजमां नूं पक्के करन दी बजाए गैर कानूनी तरीके नाल नवीं भर्ती आउटसोर्सिंग ते वड्डी करप्शन करके नौजवानां दे शोषण करन लई कीती जा रही है। उन्हां कहा कि सरकार पारदर्शी ढंग नाल भर्ती करन दी बजाए नोटां जां वोटां दा लालच दे के लोकां दी जिंदगी खतरे विच पा रही है ते दूजे पासे बिना कारण रिपोर्टां दीआं कंडीशनां लगा के ब्लैकलिस्ट करके पुराने मुलाजमां दा रोजगार खोया जा रहा है अते हड़ताल दौरान कीते वादिआं तों सरकार ते ट्रांसपोर्ट मंत्री पंजाब अते डायरैक्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट पंजाब भज रही है। इस विरुद्ध ट्रांसपोर्ट अधिकारियों ते सरकार दे खिलाफ पनबस अते पीआरटीसी दे कच्चे मुलाजमों वल्लों अज शुक्रवार नूं 10 तों 12 बजे तक गेट रैलियां करके पंजाब भर दे विच रोस प्रदर्शन कीते जा रहे हन। उन्हां कहा कि जेकर मुलाजमों नूं पक्का करन समेत हल ना कीता गया तां पनबस अते पीआरटीसी दा चक्का जाम करके सरकार अते ट्रांसपोर्ट मंत्री खिलाफ रोस प्रदर्शन कीता जाएगा। इस मौके पनबस अते पीआरटीसी दे वख-वख आगू मौजूद सन। रोस प्रदर्शन कर रहे कैशियर रामदयाल का की कहना है आओ सुनते हाँ। हाँ जी, मैं जी रामदयाल पंजाब रोड पनबस कंट्रैक्ट वर्कर यूनियन ब्रांच नंगल तो कैशियर। अज की जी गेट रैली अपनी लंबे समय तो लटकदी आ रही मंगा के संबंध में है। मंगा साड़िया मेन दो ही है जी, कि जिन्हें समूह मुलाजम पनबस के पीआरटीसी के जिस भी तरीके रखी है उन्होंने महकमे च लिया पक्का किया जाए। पिछले लंबे समय साढ़िया 10 तो 15 के करीब सरकार मीटिंगा हो चुकी, उस सानू भरोसा दिता गया भी तुम अपनी हड़ताल जी वापस लै लो तो आने वाली पहली कैबिनेट में समूह जोड़े मुलाजम गए जोड़े आउटसोर्स मुलाजम है उन्होंने महकमे के कंट्रैक्ट पर लिया जाऊगा और जोड़े कंट्रैक्ट के 3 साल वाले उन्होंने महकमे पक्का किया जाऊगा। जबकि हूँ तक 3 या 4 के करीब जी कैबिनेट मीटिंगा हो चुकी हैं, वो कोई भी किसी तरह की साडा एजेंडा नहीं लैके गया वो कैबिनेट में, जिस करके सारे वर्कर रोस है। दूजी गल जी हैगी है भी ठेक जे मंग सी भी जिन्हें साढ़े जे मुलाजम अगे विक्टिमाइज किए जे कड़े हुए कंडीशन ला रखे उन्होंने पहल के आधार पर जो भी उन्हों का बनता हैगा वो करा के उन्होंने रिपोर्टा हल करके उन्होंने ड्यूटी पर बहाल किया जाए। उस तो बाद जेकर थोड़ा बचती है पोस्टा की घाट हैगी नवी भर्ती की जाए, पर इसके उल्ट जोड़े सरकार वालों जोड़े पुराने बहाल करने की बजाय नवियां पहल दी जा रही है फ्रैश भर्ती की जा रही है। उहदे नाल तां इक तां आम जनता का भी नुकसान है क्योंकि जिहड़ा ड्राइवर आपां नवां भर्ती करांगे उहदा नहीं कोई टैस्ट नहीं हो रहा कोई कुछ नहीं हो रहा उह की पता इन्नी जान माल का भी नुकसान कर सकता है। सो साडी इही थोड़े माध्यम राही मंग है भी जिहड़े साडे पुराने वर्कर साथी उहनां नूं बहाल किया जाए पहल दे आधार ते। जेकर सरकार वल्लों पक्के नहीं किए जाते मुलाजम और जिहड़े साडे साथी जिहड़े रिपोर्टां वाले उहनां नूं बहाल नहीं किया जाता तां कल जां परसों चंडीगढ़ विखे एक वड्डी प्रैस कॉन्फ्रेंस की जाऊगी, उसके बाद उत्थों ऐलान किया जाऊगा। जेकर सरकार ने एक मंगा का हल ना किया तो तिखा संघर्ष किया जाऊगा जां लंबे समय की हड़ताल की जाऊगी जां जिहड़े भी कोई स्टेट हाईवे जिहड़े जाम करन दा जिहड़ा प्रोग्राम उह लीकिया जाऊगा जी। इस मौके सरकार के खिलाफ रोस प्रदर्शन कर रहे जनरल सकत्तर सुखराज सिंह का की कहना है आओ सुनते हाँ। नंगल तो पंजाब टीवी लिए अविनाश शर्मा के नाल राकेश राणा की रिपोर्ट। गेट रैली बारे दसो जी। हाँ जी, मेरा नाम सुखराज सिंह है जी, मैं जनरल सकत्तर पंजाब रोडवे पनबस यूनियन नंगल। सर साढ़े ना 15 तरीक राजा वड़िंग साहब ना एक मीटिंग हुई जिस अं हड़ताल मुलतवी की अपनी भाण मिथे समय की हड़ताल से बैठे थे अपन मंगा लैके कच्चे मुलाजम पक्के करो ठेके का सिस्टम बंद करो जे रिपोर्टा कंडीशन वाले साथी उन्होंने बहाल करो। तो राजा वड़िंग साहब ने सामने एक वादा किया भी पहली कैबिनेट के आप काम कर देना वा तो तुम अपनी हड़ताल चक लो। असी गलर तो अपना चलो उन्होंने बयानबाजी करके उन्होंने मीटिंग बाद असी धरना चक लिया। हाँ, राजा वड़िंग साहब ने उस तो बाद 3-4 कैबिनेटा हो चुकी वा सानू पक्के करना तो गल ही दूर दी और सा कोई जिक्र भी नहीं कर रहे कैबिनेट मीटिंग के। उस तो इन्होंने एक होर शोशा छड़िया जी, राजपाल ने फाइल भेज दिया। राजपाल ने भी इन्हों क्लीयर करता कि राजपाल ने फिर सारा बयान दे के कर दिता भी साढ़े वालों कोई कमी पेशी नहीं हैगी, जो कुछ भी है सरकार वालों जिनी सरकार वालों ही जी फाइल ही गलत बना के भेजी गई है इस करके मुलाजम पक्के नहीं हो रहे। चलो वो भी मंग साड़ी इस पास रहेगी। दूसरी पास असी साथी सके रिपोर्टा वाले जिन्होंने जायज कंडीशन लगा के नौकरी तो कढ़िया गया वा उन्होंने असी कहा कि पहला बहाल करो उस तो बाद जो तुम बंद की घाट पेगी तो फिर बंदे नवे भर्ती कर लो, पर इन्होंने वो बंदे साढ़े बहाल करने कोई कोशिश नहीं की, उल्टा नवी भर्ती चालू करती 1.5-1.5 लाख रुपया 2-2 लाख रुपया लैके रिश्वत लोगों को। कोई टायल फैक्ट्रिया भर्ती कर रहा, कोई कितने मॉलों के भर्ती कर रहे, चोरी 2 नंबर के तरीके भर्ती कर रहे। साढ़े अधिकार
यूनियन के नुमाइंद वालों बंदे फड़ फड़ के भी फड़ाए गए आ, पर उन्होंने उत्ते कार्रवाई करने की बजाय सरकार उन्होंने होर शह दे रही आ। असी इन चीज़ों की सख्त निकेधी करते हैं, सरकार को चाहिए कि साड़ियां मंगां दा जल्द तो जल्द कोई हल करे, नहीं तो आने वाले दिनों में बहुत तिखे तो तिखे एक्शन करेंगे जी।